बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटी फैशन चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ खुले गेट वाले स्लीव के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपके बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, खुले गेट वाले। और गर्मियों में ज़्यादातर लूप्स और डीले डाले से जो है कपड़े पहनना पसंद किए जाते हैं, तो कम्फर्टेबल लगते हैं। और इसमें भी जो है डिज़ाइनिंग की जाती है, तो मैंने ऐसे खुले गेट वाले डिज़ाइनिंग जो है वो आपके साथ शेयर की है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस डिज़ाइन में जो है टसल को यूज़ किया गया है, और इसमें जो है जॉइंट लेस को यूज़ करके बहुत पतली सी लेस लगाई गई है, और इसमें पर्ल को यूज़ किया गया है, और इसमें ये देखिए कटवर्न करके जो है लेस लगाई गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसमें भी कटवर्न करके जो है टसल लगाए गए हैं, और इसमें देखिए बिल्कुल छोटी सी लेस लगाई गई है। तो फ्रेंड्स, अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो उनको सबसे पहले दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, और साथ में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करते जाइएगा, ताकि हम जो भी नए डिज़ाइन नए वीडियो अपलोड करें तो उसका वो आपके पास जो है आसानी के साथ पहुँच जाए, और आप अपने ड्रेसेस के लिए नए नए आइडियाज़ ले सके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप इसको बिल्कुल सादा भी रख सकते हैं, लेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट लेस को, या ऑर्गेन्जा अगर आपको पसंद है तो ऑर्गेन्जा को भी यूज़ कर सकते हैं। जी देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये डिज़ाइन आप थ्री पीस सूट में भी बना सकते हैं, या अगर आप सादा ड्रेस स्टिच करवा रहे हो तो सादा ड्रेस में बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही सादा तरीके से जो है ये डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के आइडियाज़ आपको कैसे लगे। और ये देखें, ये भी इसमें टसल को यूज़ किया गया है, ये कटवर्किंग का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसमें भी जॉइंट लेस को यूज़ किया गया है, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।